दोस्तों आज बात करेंगे कि शुगर के पेशेंट भी आम खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों आम बहुत हेल्दी फल होता है। इसको खाने से शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और ये बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। लेकिन क्या शुगर के पेशेंट इसको खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है, जैसे फाइबर की भरपूर मात्रा इसके अंदर होती है, साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम भी होता है और इसके अंदर कॉपर की भरपूर मात्रा होती है, इसके अंदर फोलेट की मात्रा होती है। तो दोस्तों आगे जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में बने रहे। मेरा नाम डॉक्टर अफरोजर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएमए हेल्दी लाइफ। दोस्तों बात करेंगे आम के अंदर कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं जो आम को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की भी भरपूर मात्रा आम के अंदर पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि आम को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि आम को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है। दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो शरीर के अंदर जो सूजन होती है उसको भी बहुत ज्यादा कम कर देती है, यानी कि शरीर के अंदर जो सूजन रहती है, बाहर सूजन दिखाई देती है, उससे भी आम का सेवन करने से राहत मिल सकती है। दोस्तों आम के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये शुगर के लेवल को बहुत जल्दी बढ़ा देती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने से जो मेडिकल कंडीशन होती है शरीर के अंदर, कुछ और ऐसी मेडिकल कंडीशन खड़ी हो जाती है जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या शुगर के पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि आम से बिल्कुल भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 56 से भी कम होता है। तो आम का इस्तेमाल करने से शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से भी अगर हम चाहें तो कुछ ऐसी डाइट भी अपने खाने में कम कर सकते हैं, उसको आम को बढ़ा सकते हैं। तो आम का सेवन करने से भी शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। इसको खाने का क्या तरीका दोस्तों, मैं आज इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आम को सबसे पहले अगर एक आम के हम चार स्लाइस बना लेंगे, उसके चार स्लाइस बनाने के बाद, क्योंकि इसके एक स्लाइस के अंदर 25 कार्ब्स होती हैं जो कि शुगर के लेवल को बहुत जल्दी से नहीं बढ़ाती हैं। दोस्तों अगर हम 3 से 4 दिन में अगर एक कार्ब्स को लेंगे, यानी कि एक स्लाइस को लेंगे, तो उसके अंदर 25 ग्राम कार्ब्स जाएगी जो कि शुगर के लेवल को बहुत जल्दी से नहीं बढ़ाएगी। तो दोस्तों दूसरा तरीका आम को खाने का यह है कि अगर हम इसको सलाद के रूप में अगर इस्तेमाल करें तो इसका भी काफ़ी फायदा माना जाता है, इससे शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। सलाद के रूप में इसको इस्तेमाल करना कैसे, दोस्तों इसमें खीरा लेंगे, मूली, प्याज और टमाटर, इन सबको एक जगह मिक्स करने के बाद आम के 6 से 7 टुकड़े डाल देंगे, इसको दही में मिलाकर हम इसका रोजाना सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।